Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे है सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का जो टॉपिक है गाइज, वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऑब्वियसली क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है. मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ समय के बाद आपके जो सेंसेस है, मतलब आपके जो अनुभूति है, आपके जो इंद्रियाएं हैं, ठीक है, वो और भी आपको एक शार्प रिस्पॉन्स देने वाला है. मतलब क्या है, जैसे वो सॉन्ग आपको याद है, तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो खो गया. सो बेसिकली क्या है ना कि होश खो जाने वाला, मतलब मदहोशी में आ जाने वाले एक सुनहरा समय जो है वो आपके लिए शुरुआत होने वाला है, जहाँ पे मज़े होंगे, जहाँ पे आप रिफ्रेश्ड होंगे. जिस तरह से सुबह सुबह उठ के हम मुंह धोते हैं और काफ़ी रिफ्रेश फील करते हैं, ऑब्वियसली हम आँखों में पानी देते हैं, हम मुंह को धोते हैं, डेफिनेटली वी ब्रश आवर टीथ, वी क्लेंस आवर सेल्फ ऑब्वियसली. उसी तरह से उस अनुभूति, ठीक है, आपको और फील होगा, यू विल फील लाइक यू आर डाइविंग, ठीक है, आप डाइव कर रहे हो इन टू द डेप्थ ऑफ हैप्पीनेस. सो बेसिकली यहाँ पे मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ नजर में आ रहा है, जहाँ पे आप किसी चीज के ऊपर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो. शायद आप बहुत दिनों से ऐसा हो सकता है किसी इंटेलेक्चुअल इंसान के साथ आपका कंपटीशन हो, मे बी इन डिबेट्स, मे बी ग्रुप कॉन्फ्रेंस में. मैं बोलना चाहती हूँ, आपके स्टेटमेंट को ना वो हमेशा काटने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली वो कर नहीं पाएंगे बिकॉज दे विल फील योर करेज एंड स्टेमिना. मतलब आप कुछ इस तरह के स्टेटमेंट भी रखने वाले हैं जहाँ पे जो पार्टी है, चाहे वो आपके राइवल हो, चाहे शत्रु हो, चाहे कोई और कंपनी हो, ठीक है, आपके बात को रखना ही पड़ेगा बिकॉज योर स्टेटमेंट विल हैव वैलिड पॉइंट्स. तो आपके कुछ वैलिड पॉइंट्स होंगे जिसके वजह से आप जो भी बोलेंगे वो अप्रूव हो जाएगा जल्द से जल्द. नाउ ये कोई एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है. यहाँ पे देखो टाइगर आया है, राइट. सो टाइगर इज लाइक द थिंग एंड यहाँ पे भी है टर्टल, टर्टल भी और टाइगर भी. सो आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं, जब आप बहुत ही ज़्यादा स्लो थे, शाई थे, ठीक है, तब बहुत कुछ चीज़ें जो थी वो अलग थी. अभी आपके अंदर एक टाइगर स्पिरिट आ रहा है जो आपको बदल देगा, जो आपको और कुछ चीज़ों को हासिल करने में और आसानी सा हो जाएगा. सो ये सारे चीज़ आप फील करना शुरू कर दोगे. यहाँ पे मुझे बहुत सारे एंशिएंट लैंग्वेजेस का भी यहाँ पे नज़र में आ रहा है. जैसे होता है पाली इज़ अ एंशिएंट लैंग्वेज, संस्कृत इज़ एन एंशिएंट लैंग्वेज, ठीक है, बहुत सारे पुराने जो भाषाएं हैं, हो सकता है उसमें आप कुछ सीखो और सीखने के बाद आप एक ट्रांसलेटर बने, या हो सकता है कि आप उस भाषाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें. उस भाषाओं को जानने के वजह से बहुत कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी आप अनलॉक कर पाए. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा, भले ग्रेजुअल प्रोग्रेस है बट होके रहेगा. मुझे दिख रहा है यहाँ पे देखो एक होली क्रॉस आया है, खुद देखो. एक होली क्रॉस आने का मतलब होता है कि यस, गॉड्स मर्सी इज डेफिनेटली ऑन यू. सो लेट्स सी मोर एंड लेट्स एक्सप्लोर मोर. यहाँ पे TIE 3V सारे चीज़ें मुझे दिख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए घर के दरवाजे के सामने आपके रखे हुए 3 से 5 पॉट्स हो सकते हैं, मतलब प्लांटेड पॉट, मतलब क्या है, पौधा. ओके, okay.
घर के प्रवेश द्वार के सामने. ओके, आई कैन सी लाइक अ बेबी और अ बेबी गर्ल. बेबी गर्ल, शायद जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं शायद वो आपकी तरफ देख रही है, या हो सकता है कि आपकी ख्वाहिश है इस बार अगर आपका सेकंड बच्चा हो तो आपका बेबी गर्ल हो, या आपका ऑलरेडी बेबी गर्ल है, कुछ बेबी गर्ल से रिलेट हो सकता है, या आप अपने बचपन के यादों को ताज़ा कर रहे होंगे कुछ समय के बाद. हो सकता है कि आपको उस नेटिव प्लेस में जाना पड़े जहाँ पे आप पहले रहा करते थे, और वहाँ पे जाने के बाद आपको खूबसूरत सी एहसास हो. ऑलराइट, आपके घर में बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, राइट? सो प्लीज़ क्लीन देम. थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें तो वो हट जाएंगे. एंड नाउ कॉकरोचेस कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट नेसेसरी, जो नहीं चाहिए आपकी ज़िंदगी में, वो आपकी ज़िंदगी में आके दखल दे रहा है या दखल दे रही है. सो वो एलिमेंट को आपको अपने ज़िंदगी से बिल्कुल हटाना चाहिए, बिल्कुल 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 हटाना चाहिए. रखना ही नहीं चाहिए आपको अपने ज़िंदगी में. यही आपको यूनिवर्स मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप उस चीज़ों को और भी बड़ा करो तो वो और भी आपके खाने को या आपके जीवन शैली में आके आपके ज़िंदगी को पॉइजनस बना सकते हैं. सो प्लीज़ रिमूव दोज आइटम्स. ऐसे भी होता है ना कि घर में अगर बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ें हैं जहाँ पे ब्लॉक करता है एनर्जी को, सो प्लीज़ रिमूव देम सो दैट द एनर्जी क्लियरेंस शुड टेक प्लेस. ऑलराइट, सो हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है और कौन आ रहे हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड व्हाट अनएक्सपेक्टेड इज गोइंग टू हैपन. सो वी डू हैव द फैमिली रूम. वेरी सून यू आर गोइंग टू मीट विद समवन जो काफ़ी रॉयल फैमिली से आते हैं, या हो सकता है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ आपके कॉन्टैक्ट बने, या हो सकता है कि वो समय विंटर सीजन हो, मे बी नवंबर दिसंबर जनवरी हो, या हो सकता है कि आपको कुछ जगह पे जाना पड़े, टूर करना पड़े और वो स्पॉन्सर्ड होगा डेफिनेटली आपके कंपनी के तरफ से. आपके लिए वही गिफ्ट रहेगा. ऑब्वियसली कोई ऐसे रिलेशनशिप में आप हो या इन फ्यूचर होगा जो पर्मानेंट होगा, और आप लोग भली भांति एक दूसरे को शादी से पहले बिल्कुल ए टू जेड जान लोगे. अ जर्नी आई टोल्ड यू कैन बी ट्रैवलिंग लाइक. डेस्टिनेशन मुझे नहीं पता क्योंकि वो तो आपको पता होगा आपको कहाँ जाना है, बट मे बी इट इज़ लाइक दैट यू गो टू अ डिस्टेंट प्लेस. ठीक है, ये लॉन्ग जर्नी ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है जहाँ पे लगेजेस काफ़ी पैक्ड होंगे. अच्छा, कोई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही परेशान है, मे बी आपके पापा या आपके ग्रैंडफादर, या आप उनके हेल्थ के लिए काफ़ी परेशान हो, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू गेट सॉल्व. आई डू फील सो कि हो सकता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आके, चाहे आपके प्रोफेसर है, गुरुजी है, कोई भी हो सकता है आके, या आपके पिताजी हो सकते हैं जो आपको उचित शिक्षा दे और आपको इतना अच्छा तालीम दे कि आप ज़िंदगी में ना ठोकर ना खाए, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है. सो दिस इज़, या आपकी एडमिशन कुछ ऐसे कॉलेजेस में हो सकते हैं, या कोई ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, या ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन पर जहाँ पे डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, तो आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी गाइज. लव यू अ लॉट एंड टेक केयर. और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो नवंबर मंथ का प्रेडिक्शन है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ. नवंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में जो ट्रांजिट्स था उसके ऊपर भी मैंने रीडिंग काफ़ी ज़्यादा कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा. नवंबर मंथ का जो प्रेडिक्शन है वो आई बटन पे जा रहा होगा, सो प्लीज़ हैव अ लुक एट इट. ओके, और दूसरा चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से, ठीक है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन.
कि आपको किस के ऊपर, मतलब कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़्यादा चाहिए, और दूसरा है कि जब मैं पोस्ट कर रही हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, तब आप उस कमेंट सेक्शन के नीचे भी लिख सकते हैं दैट विच वीडियो डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाट टाइप ऑफ वीडियोज डू यू लाइक द मोस्ट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and